वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे कुमड़े आलू की सब्जी प्याज के साथ। इसके लिए हम लोग को जो सामग्री चाहिए, कुमड़ा मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, जो पम्पकिन होता है आपका, और आलू भी मैंने ऐसे छोटे छोटे डाइस में काट लिया है। इसके लिए हम लोग को चाहिए अदरक किसा हुआ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, साबुत जीरा, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, करीब एक बड़े प्याज है, घी और सरसों का तेल। चलिए तो आप इसमें डाल लें तेज पत्ता और जीरा। जीरा जैसे हल्का रखे कर ले तो इसमें आप डाल लें प्याज। और इसको 2 मिनट भूने, अच्छा सा जैसे लाल फ्राई होने लगेगा हल्का, तो हम लोग आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट होने लगा है। अब इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे जो कुमड़ा और आलू हम लोगों ने काट के रखा हुआ है, वो कुमड़ा और आलू। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग मिला लेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, और इसको हम लोग भूनेंगे, फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा सा लाल फ्राई हो गया है। अब इसमें हम लोग मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें नमक, जीरा पाउडर और मिर्ची ऐड कर लेंगे, साथ ही साथ पिसा हुआ अदरक। इसको हम लोग हल्का सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाला आपका जले ना, और इसको हम लोग 2 मिनट के लिए मसाले के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। मसाले से तेल छूटने लगा है, तो मतलब जो मसाला है तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग ये जो अच्छा तेज पत्ती हम लोगों ने डाला था, इसको हम लोग निकाल के रख देंगे, और साथ ही में इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी, जिसमें कि जल्दी हमको चाहिए, क्योंकि फ्राई होते होते ही आपका सब्जी और कुमड़ा और आलू दोनों ही पक चुका है। ये देखिए, तो बस हमको थोड़ा सा ग्रेवी के लिए हल्का सा ही पानी इसमें ऐड करना है। इसको बॉयल आने दें। लीजिए बनके तैयार है आपकी कुमड़ा आलू की सब्जी प्याज के साथ। इसको उतारें और गर्मा गर्म रोटी चावल या फिर पराठे के साथ सर्व उतार लें, और उतार के इसके ऊपर से आप डालें घी और सर्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।